तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड वाला बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल। तो क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटीएस क्लासेस। तो क्लास जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम आपको कराएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ठीक है क्लास, इसी तरीके से हम क्लास के आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से देखिएगा क्लास, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस की। देखिए वॉइस क्या है, वॉइस एक वर्ब का कॉन्सेप्ट है। क्या है वॉइस, वॉइस एक वर्ब का कॉन्सेप्ट है। तो वर्ब जो वॉइस होती है वो वॉइस टू टाइप्स की होती है। कितनी, टू टाइप्स। सबसे पहला हमारा होता है एक्टिव वॉइस, और जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है पैसिव वॉइस। तो क्लास आपको पता होना चाहिए वॉइस क्या होता है। वॉइस एक वर्ब का कॉन्सेप्ट है जो कि टू टाइप्स के अंदर खुलता है, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब क्लास आपको एक बात समझनी है कि कोई भी सेंटेंस है नहीं है, कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला क्या होता है क्लास, सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर क्या होती है वर्ब, और फिर क्लास ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, सेंटेंस बनता है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास मैं आपको बता दूं, एक्टिव वॉइस के डेफिनेशंस आपने सारी पढ़ ली होंगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। तो देखिए, याद रखिए आप, ये हमेशा क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। क्या होता है क्लास, ये डूअर ऑफ द एक्शन, यानी डूअर ऑफ द एक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर एक लिख रहा हूं मैं, राम राइट्स अ लेटर। अब क्लास यहां पर लिखा राम राइट्स अ लेटर, जरा समझेंगे, डूअर मतलब करने वाला, क्या एक्शन, एक तरीके से डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, किस पर, लेटर, यानी कि वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, किस चीज पर, इस ऑब्जेक्ट पर, इस लेटर को वो लिख रहा है। तो यानी कि जो डूअर है वो क्या है, एक्शन में है, वो काम कर रहा है। अब क्लास हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस को समझने के लिए, जिस प्रकार यहाँ पर डूअर ऑफ द एक्शन होता था, यानी जो सब्जेक्ट है वो एक्शन में था, यानी वो कर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट मतलब लिख रहा था, कर्म कर रहा था एक तरीके से। अब यहाँ क्या होता है क्लास, यहां होता है आपका जो सब्जेक्ट है, देखिए रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। यहां क्या था क्लास, याद रखेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, और पैसिव वॉइस क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। अब क्लास यहां पर एक बात समझेंगे, अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं, जो ये सेंटेंस हमने आपको दिया राम राइट्स अ लेटर, तो यहां पर क्या होगा, अ लेटर इज, क्योंकि एक है, ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो क्लास क्या समझ में आया, रिसीव ऑफ द एक्शन, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन कहने का मतलब क्या है, अ लेटर, जो लेटर है वो लिखा जा रहा है किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो सीधी सी बात है क्लास, यहां पर जो लेटर है वो खुद नहीं लिख रहा है, वो किसके द्वारा लिखा जा रहा है, राम के द्वारा, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन इसके अंदर होता है। तो क्लास ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात के एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या है। अब हम क्लास इसको देखेंगे कि हमें किस प्रकार एक्टिव वॉइस में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जो भी वर्ब, एक तरीके से यहां पर क्या होता है, ये वॉइस क्या होता है, वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको क्लास के अंदर बताया। तो क्लास कहने की बात क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कभी भी उस चीज का पैसिव नहीं बना सकते। किस चीज का, आप कभी भी पैसिव नहीं बना सकते, किस चीज का, जिसका वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो। यानी वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप याद रखना उस चीज का पैसिव नहीं बन सकता। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात आपको ये इंपॉर्टेंट रखनी है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव बनेगा, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। क्लास आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है, अब आपको समझना है कि पैसिव वॉइस किस किस चीज का नहीं बन पाता है, ठीक है क्लास। तो एक्टिव पैसिव वॉइस हमेशा याद रखना आर्ट टेंस के अंदर वर्क करेगा ओनली।
अब आर्ट टेंस कौन से हैं उन्हें हम जानने से पहले हम उन्हें जान लें जिनका एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो क्लास क्या समझेंगे, सबसे पहला आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का आपका एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्लास याद रखेंगे सबसे पहला आपका यही है, ठीक है। और दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कभी भी एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, क्लास याद रखिएगा। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, तीन इसके और एक इसका, यानी कि चार टेंस के अंदर वर्क नहीं होगा एक्टिव पैसिव के अंदर, जो का क्यों उतरेगा। तो क्लास क्या समझना, सबसे पहला फ्यूचर कंटिन्यूस का कभी भी साफ देखते ही मना कर देना, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका बनता ही नहीं है फ्यूचर कंटिन्यूस का। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनका भी नहीं बनता, यानी पूरे परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है नहीं खुलता परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो क्लास ये तो थी पूरी वूल कॉन्सेप्ट की बात, अब हम एक एक कर सारे एक्टिव वॉइस को समझेंगे, ठीक है क्लास। तो देखिए सीमा आ गया, अब आपको क्या समझना है, देखिए फॉर्मूले समझने हैं एक तरीके से। यहां पर मैं एक एक्टिव बता रहा हूं आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक क्लास। अगर हम इसका एक्टिव बनाते हैं तो एक्टिव में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, क्लास ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है, एक पैसिव बनाना है मुझे, क्या बनाना है क्लास, एक पैसिव वॉइस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव का वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपकी वी थ्री फॉर्म, क्लास याद रखेंगे एक्टिव का जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वी थ्री फॉर्म यूज होगी, रट लीजिए बिल्कुल, कौन सी फॉर्म, वी थ्री फॉर्म यूज होगी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप किसी भी एक्टिव का पैसिव बना सकते हैं, यानी सब्जेक्ट जो है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वी थ्री फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा किस में रखेंगे, वी थ्री फॉर्म के अंदर ही रखेंगे, ठीक है क्लास। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी देखिए, अब हम जैसे कि हमने थंबनेल के अंदर आपको बताया है, अब हम सबसे पहले हम टेंसों पर वर्क करेंगे, किस प्रकार हम टेंसों के बनाएंगे। फॉर्मूले से ट्रिक भी है आपकी और फॉर्मूला भी है, तो अब जरा ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनिट के चार्ट की, किसके क्लास, इनडेफिनिट के चार्ट की। इनडेफिनिट का चार्ट देखिए, सबसे पहला हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट, कौन सा, प्रेजेंट इनडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट का एक्टिव है तो एक्टिव किस तरह होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर मिल जाएगा आपको उसमें एस ई एस लगा हुआ और आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा क्लास, समझ में आ रहा है क्लास। यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का अगर एक्टिव होगा तो उसके साथ सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस ई एस जुड़ा हुआ होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अगर उस एक्टिव का उस हमें एग्जाम के अंदर पैसिव बनाने के लिए आता है तो फॉर्मूला थोड़ा एक तरीके से वही आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, अभी मैंने ऊपर बताया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए प्रेजेंट इनडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब एक तरीके से क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस सी एस है, तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा क्या करेगा, प्रेजेंट में इज एम आर वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा क्लास, इज एम आर वर्क करेगा, प्लस आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस जब भी मिलेगा तो आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की वी थ्री फॉर्म और प्लस बाय प्लस आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक क्लास। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, किस चीज का, प्रेजेंट का। अब हम इसी तरीके से बात करेंगे पास्ट इनडेफिनिट की, किसकी क्लास, पास्ट इनडेफिनिट की। यहां भी सेम वर्क, सब्जेक्ट प्लस यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, कौन सी फॉर्म क्लास, क्योंकि पास्ट इनडेफिनिट आप नॉर्मली सब चीजें ये जानते होंगे पहले से, ठीक है क्लास, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा, जनरली जैसे ऊपर हुआ पास्ट की बात चल रही है तो ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन यहां पर मैं ऑब्जेक्ट लिखकर दिखा रहा हूं आपको, ऑब्जेक्ट प्लस
अब देखिए सेकंड फॉर्म जब भी मिलती है वो तो पास्ट इंडेफिनिट में मिलती है, तो यानी क्या वाज वर। क्लास क्या यूज करेंगे? वाज वर यूज करेंगे, और वाज वर के बाद आपको पता है ऑटोमेटिकली आपको V3 फॉर्म ही यूज करनी है पैसिव बनाते हुए। तो क्लास V3 फॉर्म आ गई। अब हम जानते हैं सर बाय आएगा, और बाय के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो आकर यहां पर एक तरीके से वही सब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा जैसे। तो क्लास यहां पर क्या आ जाएगा? आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का पूरा चार्ट समझा रहा हूं क्लास, जरा ध्यान से समझेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्लास क्या समझेंगे? ऑब्जेक्ट आया, एक तरीके से आपने क्या किया वही होगा सब्जेक्ट प्लस। अब फ्यूचर में क्या होता है? विल एंड शैल प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है क्लास। तो क्या होता है फ्यूचर में? सब्जेक्ट विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट। अब वहां क्या होगा? यानी वहां पर क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है वो एक तरीके से सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको। तो ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर विल और शैल को आपको कोई बदलाव नहीं करना है, बस खाली इसमें बी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है क्लास? बी जोड़ देना है। और फिर आप जानते हैं कौन सी फॉर्म? V3 फॉर्म सर, और प्लस बाय प्लस आपका सब्जेक्ट। ठीक क्लास, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर आ गया। अगर वो एग्जाम में मॉडल दे दे, मॉडल एग्जेरी वर्ब आपको पता होंगी, कैन कुड मे माइट एक्सेट्रा, ये सब हमारी मॉडल्स होती है, तो किस तरीके से देगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल। अब मॉडल कोई सी भी वर्ब हो सकती है नहीं? मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया आपका क्लास। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट, अब इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है क्लास? तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी, जैसे ऊपर वाला बनाया बी प्लस V3 फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो क्लास इस तरीके से बन जाएंगे ये। तो क्लास देखिए इसको अब हम वर्क कराते हैं, ठीक है। अ टीचर टीच्स इंग्लिश हेयर। क्लास यहां पर ये कैसा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। आप देखिए आ टीचर तो क्या हो गया क्लास? सब्जेक्ट हो गया। जो टीच है, यानी यहां पर टीच लिखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इंग्लिश क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हमारा, आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, एक तरीके से मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करेंगे, जो चीज एक्स्ट्रा में आ रही है। तो क्लास ऑब्जेक्ट को हम क्या कराएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो यहां पर क्या आएगा? कैपिटल बनाना क्लास, इंग्लिश। अब इंग्लिश कितनी होती है? एक ही इंग्लिश है ना, तो सीधी बात है पहला फॉर्मूला लग गया, यानी कि इंग्लिश इज कौन सी फॉर्म क्लास? फॉर्मूले में V3 फॉर्म, यानी इंग्लिश टीच की क्या होती है? टॉक्ड। अब इंग्लिश इज टॉक्ड, अब देखिए वो बता रहा है बाय, अब चाहो तो आप कर सकते हो इंग्लिश इज टॉक्ड हेयर। जो भी चीज यहां पर जो एक्स्ट्रा बचेगी वो हमेशा V3 फॉर्म के बाद यूज करना क्लास, ध्यान रखना। बाय, अब किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है? आ टीचर के, तो बाय आ टीचर, ठीक क्लास। तो यहां पर इसका एक्टिव का हमने पैसिव चेंज कर दिया सिर्फ फॉर्मूले से, ठीक क्लास। अब देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि इंग्लिश इज टॉक्ड हेयर बाय अ टीचर, ना लिखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमें क्लास, तो ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, पुलिस पुलिस अरेस्टेड हिम, क्लास कौन बनाएगा इसको? देखिए क्लास कैसे बनेगा, पुलिस क्या हो गया यहां पर? सब्जेक्ट हो गया अरेस्टेड। अब देखिए यहां पर ज्यादातर ईडी फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या है क्लास? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। यहां पर मैंने लिख दिया क्लास, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, सबके ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया जो आपको कंपलसरी याद होने चाहिए क्लास। तो हिम को हमने क्या कर दिया क्लास? हिम एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सब्जेक्ट प्रयोग होगा, यानी कि ही। अब ही के बाद हमने सेकंड वाले फॉर्मूले में चलना है, ऑब्जेक्ट आ गया वॉज आ गया, ही कितने? एक ही है ना, तो ही वॉज। V3 फॉर्म अरेस्टेड, ये सेम सेम होती है, तो वी ही वॉज अरेस्टेड, देखिए ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, ठीक क्लास। कोई दिक्कत पड़ी? हमें जनरली फॉर्मूले खुद याद आने लगेंगे। तो क्लास ये था आपका प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसमें आप एग्जांपल्स और बढ़ा सकते हो, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इंडेफिनिट जहां तक है क्लास में,
खत्म समझता हूँ, बिल्कुल इंडेफिनिट आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास यहाँ पर इंडेफिनिट की बात हुई, अब हम पहुँचते हैं कंटिन्यूस पे जल्दी से। तो क्लास बात करते हैं अब कंटिन्यूस टेंस की। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, प्रेजेंट। जैसे अभी हमने पहला चार्ट बनाया था, सेम यही बनाना है प्रेजेंट का, ठीक है। तो प्रेजेंट में सबसे पहले क्या रखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपको पता ही है। अब हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगती है, इज एम आर। क्या लगती है क्लास, प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी जीरेंड यूज की जाती है, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो होता है क्लास। तो याद रखेंगे आप, यहां पर प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट का एक्टिव आपको इस तरीके से मिलेगा, यानी जब प्रेजेंट का आप एक्टिव देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर हमें पैसिव बनाना है तो क्लास अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे, देख किस तरीके से पैसिव बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आकर बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट लिख देता हूं मैं इसको, फिर हमारा इज एम आर है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ठीक है इज एम आर। अब क्लास आपको याद रखना है कंटिन्यूस टेंस के अंदर इज एम आर जैसे आप लगाते थे पहले, अब बस आपको खाली बींग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है क्लास, बींग। क्या जोड़ना है क्लास, बींग, यानी इज एम आर के अंदर बींग जोड़ देना। अगर कंटिन्यूस टेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आई एनजी, लुकिंग लिखा है, कुछ भी लिखा है, एक्स वाई जेड यानी गोइंग लिखा है, तो आप उसमें बींग जोड़ेंगे एक्टिव का पैसिव बनाते हुए, ठीक है क्लास। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बींग, अब कौन सी फॉर्म यूज होगी, वी थ्री फॉर्म यूज होगी क्लास, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय का यूज करेंगे, और फिर हम उसके बाद किसका यूज करेंगे क्लास, जो सब्जेक्ट आएगा उसका। यहां पर हमने प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला बिल्कुल बना लिया क्लास, कहीं से देखा हमने नहीं, हमने खुद फॉर्मूला जनरली फॉर्मूला फॉर्म कर दिया, हमने बना दिया एकदम। प्रेजेंट के बाद अब हम बात किसकी करेंगे क्लास, पास्ट कॉन्टिन्यूस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी क्या, वही जैसे एक एक्टिव बना रहे हैं हम इसका, तो क्लास पास्ट कंटिन्यूस का देखना है हमको। तो पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, इज एम आर थोड़ी ना आएगा सर, वाज वर आएगा सर। वाज वर के बाद कौन सी फॉर्म मिलेगी हमें, सीधी सी पता है हमें कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म मिलेगी इसके अंदर, और सेकंड फॉर्म में क्लास क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है ना, तो कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी, तो वर्ब की आईएनजी मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या मिलेगा क्लास, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है क्लास। इतनी चीजें हमें किस में मिलेंगी, एक्टिव में मिलेंगी। अब अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्लास क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, नहीं बनाना है, जी सर बिल्कुल बनाना है, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, प्लस यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी अगर यहां पर हिम होता है तो यहां क्या हो जाएगा, ही, लेकिन मैं लिखकर बता रहा हूं आपको खाली। तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर, अब देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, वॉज वर आ गया, जैसे यहां चल रहे थे, तो क्या जुड़ेगा क्लास, बींग जुड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो कंटिन्यूस में हमेशा याद रखिए क्या जुड़ता है, बींग जुड़ता है, और हमारी कौन सी फॉर्म, वी थ्री फॉर्म, बाय, और हमारा क्या आएगा क्लास, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक क्लास। इतना इजी हो चुका है, फॉर्मूले माइंड के अंदर ही बनाओ, ये नहीं है याद करो रट्टा पिकेशन करो, नहीं बिल्कुल फॉर्मूले जनरली माइंड के अंदर बनाओ। अब क्लास बताओ क्या फ्यूचर कंटिन्यूस का बना दूं, नहीं सर, फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता, और ना ही इसका मॉडल बनता है, ठीक क्लास, याद रखेंगे। तो क्लास इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब हम कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक क्लास, इस चीज को समझने के लिए कोई भी एक हम सेंटेंस ले लेते हैं, यानी कि द कमेटी, द कमेटी इज लुकिंग इंटू द मैटर। क्लास आप मुझे ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि क्या चीज है क्लास, द कमेटी इज लुकिंग इन टू द मैटर। देखिए एसएससी के एग्जाम में आ चुकी है इसकी स्पेलिंग, तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, सी ओ डबल एम डबल टी डबल ई, आप बस इतना याद रखो, दो एम के जोड़े, दो टी के जोड़े और दो ई के जोड़े, और कमेटी की स्पेलिंग
कंप्लीट, कभी कभी डबल आई लग के आ जाता है, तो क्लास ध्यान रखिएगा आप इसको। द कमेटी इज लुकिंग इन टू द मैटर, मुझे सिर्फ फॉर्मूला डिफाइन करना है। द कमेटी मेरा क्या हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया। इज मेरा क्या हो गया, ये तो एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये तो पहला वाला फॉर्मूला ही खुल गया। इनटू एक प्रीपोजिशन है, और द मैटर क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये तो पहला वाला फॉर्मूला खुल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो क्या करना है क्लास, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी कि द मैटर। अब क्या करना है सर, इज एम आर द मैटर, कितने मैटर हैं, एक मैटर ना, द मैटर इज बीइंग, क्या कर दिया क्लास, बीइंग। अब देखिए लुकिंग है, तो इसको हमें V3 फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तो ईडी ज्यादातर फॉर्मूले, ज्यादातर 90% ग्रामर के अंदर ईडी ही यूज होती है, ठीक है। द मैटर इज बीइंग लुक्ड, क्या आएगा क्लास। अब देखिए क्लास, यहां पर एक प्रीपोजिशन यूज की गई है, मैंने आपको पहले बताया जो भी चीज फालतू होती है, प्रीपोजिशन क्यों ना हो, वो हमेशा V3 फॉर्म के बाद ही यूज आप करें। तो यहां पर क्या आएगा, इनटू, तो क्लास क्या हुआ, द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमेटी, बाय द, जो हमारा सब्जेक्ट था वो जाकर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, बाय द कमेटी। लीजिए क्लास, बन गया इसका, कोई दिक्कत आई क्लास, कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस आप इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। जहां तक क्लास आपको यहां पर कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, आप इसके खूब सारे वो करें, अभी टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, उसके अंदर आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है क्लास। तो अब हम बात करते हैं आगे कंटिन्यूस के बाद किसकी बात करेंगे, अब हम थर्ड पॉइंट की, जो है हमारा परफेक्ट का, ठीक है क्लास। अब हम परफेक्ट की क्लास देखते हैं, तो क्लास अब हम बात करेंगे परफेक्ट की, परफेक्ट टेंस की क्लास, अब हम बात करेंगे परफेक्ट की, ठीक क्लास, ध्यान देंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में हम बात करेंगे अब प्रेजेंट की, ठीक क्लास। अगर हमें प्रेजेंट का क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है सर, एक्टिव बनाना है, तो ध्यान देंगे सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए टेंस आपने पढ़े रखे हैं, जनरली आपने सब चीजें पढ़ी रखी हैं, यहां पर बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती हैज भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी क्लास, हैज, हैव। अब यहां पर कौन सी फॉर्म यूज होती है, यहां तो यार कितना इजी बन गया सर, यहां तो V3 फॉर्म लिखी मिलेगी, कितना इजी हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3, और क्या आएगा क्लास हमारा एंड में, ऑब्जेक्ट, ठीक क्लास। अब हम बात करते हैं यहां पर, तो ये सर एक्टिव बन गया, अब अगर हमें इसका पैसिव बनाना है सर, तो पैसिव के लिए यहां पर फॉर्मूला वही पुराने वाले फॉर्मूले बन रहे हैं यार, बिल्कुल, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, जान नहीं रही है अब, कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, ट्रिक समझ ली बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे सबसे पहले, जो कि सब्जेक्ट में बदल जाएगा, ठीक क्लास, ओ लिखूंगा मैं, आप समझ जाना यहां पर, ऑब्जेक्ट को ओ लिखूंगा, ठीक क्लास। तो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, अब यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, अब हैज हैव वही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यानी ये सब्जेक्ट बन जाएगा क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव, बस आप कुछ मत करना, हैज हैव की पकड़ के बीन बजा देना, क्या कर देना क्लास, हर चीज की चाहे हेड हो, आप क्या कर देना उसकी बीन बजा देना। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी सर, अब तो अब हमें सर बिल्कुल समझ में आ गया, V3 फॉर्म ही यूज होगी, बस बाकी मुझे कुछ नहीं, अब V3 तो यहां पहले से ही है, यानी कुछ बदलाव ही नहीं करना सर परफेक्ट के अंदर, तो कितना इजी बन गया, ऑब्जेक्ट प्लस हैज एप, बस हैज एप की पकड़ कर क्या बना दो, बीन बजा दो, V3 फॉर्म आ गया। V3 के बाद क्या आएगा क्लास, जनहित में जारी, बाय हमारे, तो ठीक है क्लास, क्या आएगा, बाय आएगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा, ये सब्जेक्ट, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है क्लास। इतनी चीज आपको याद रखनी है, यहां पर खाली बात हुई थी प्रेजेंट परफेक्ट की, जब प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है तो पास्ट परफेक्ट भी आएगा, कहते हैं ना, जब करण आ गया है तो अर्जुन भी आएगा, और अर्जुन आएगा तो करण भी आएगा, तो ठीक है क्लास, तो प्रेजेंट आया है तो पास्ट भी आएगा। पास्ट के लिए बात करेंगे फॉर्मूला एक्टिव का, किसका क्लास, एक्टिव का फॉर्मूला पे वर्क कर रहे हैं, एक्टिव के फॉर्मूले में क्या होगा, हमने जैसे ऊपर किया वैसे यहां करेंगे, सब्जेक्ट प्लस, अब हैज हैव भी नहीं चुनना सर, आई के साथ हैव का प्रयोग, वो तो बात अब चुननी नहीं, अब तो हर किसी के साथ हैड आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कौन सी फॉर्म, V3 फॉर्म बच्चा, ऑब्जेक्ट, यहां पर किसका हो गया, ये एक्टिव का। अगर मुझे इसका पैसिव बनाना हो तो सर मेरा फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट को क्या कर बेटा, सब्जेक्ट बना, और सब्जेक्ट बना लेगा, यानी यहां पर तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकता है, यानी कि लेकिन सब्जेक्ट बन जाएगा ये क्लास, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लस, अब हेड है
तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, तो हैड की पकड़कर बीन बजा दो ना यार, हैड बीन कर दो ना इसको। हैड सिंगल था, बीन बजा दी, क्या हो गया, हैड बीन हो गया। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, V3 फॉर्म सर, बाय का यूज करना। फिर बाय का यूज करने के बाद जो तेरा सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर लिखना सब्जेक्ट ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता है। ठीक क्लास, यहाँ पर बात किसकी हुई, पास्ट परफेक्ट की। कितना इजी बन गया सर। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान किस किस बच्चे को पता, नहीं पता तो समझो यार क्या होता है। अगर हम इसका एक्टिव बना रहे हैं, सीधी बात है, एक्टिव से पैसिव बनाना, तो एक्टिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस आपको याद होगा विल हैव और शैल है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, विल शैल प्लस हैव, कौन सी फॉर्म, बच्चा वही बात आ रही है फिर से लौट कर, कौन सी फॉर्म, V3 फॉर्म सर। ठीक है, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा सर, वही मामूली बात, पहले वाली बात चल रही है सर। अब मुझे अगर सर इसका पैसिव बनाना हो तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना है बेटे, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेकर आना है, यानी वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो आप उसको खुद चेंज कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, विल हैव, जो आपका विल हैव था, यानी कि विल शैल प्लस हैव, इसको भी पकड़कर एंड में बीन बजा देनी है, यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, मैं तो बताते बताते थक चुका हूं बिल्कुल, कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा सर। यहां बन गया सर, प्रेजेंट भी बन गया, पास्ट भी बन गया, फ्यूचर भी। मॉडल में कुछ नहीं करना है, वही है बिल्कुल, यहां भी यहां पर मॉडल के बाद आप हैव का यूज कर कर बीन बजा देना, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्लास हम इसको वर्क कराते हैं थोड़ा सा, समझना है क्लास। यहां पर लिखा है द न्यूज इज, द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस। देख क्लास, यहां पर हम टेंस नहीं सीख रहे हैं, जो इसकी हिंदी बनाएंगे हम डायरेक्ट बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा। कैसे करेंगे क्लास, अस का क्या हो जाएगा, क्लास क्या हो जाएगा, अस का वी, तो वी। अब देखिए क्लास, द न्यूज ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारा ये पहला वाला फॉर्मूला लग गया, सीधा पता चल गया, हैज मिल गया, V3 फॉर्म मिल गई, पहला वाला फॉर्मूला गया। बनाइए जरा, ये था, ये बना आपका पहला सब्जेक्ट प्लस आपका क्या आएगा, हैज हैव, क्या आएगा आपका, हैज हैव। तो सब्जेक्ट यानी कि वी, वी के साथ हैज का प्रयोग, या हैव का प्रयोग, वी के साथ हैव का प्रयोग, आई और वी के साथ किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग। तो वी हैव बीन, यानी वी हैव बीन, क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो वी हैव, हैज हैव की क्या बजेगी, बीन बजेगी, वी हैव बीन सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। कितना आसान हो गया क्लास, कितना आसान कर दिया एकदम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ रही होगी इसके अंदर, जहां तक मैं जानता हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत पड़ती है तो आप बताइएगा क्लास, ठीक है। तो क्लास यहां पर हमने परफेक्ट भी खत्म कर लिया है। देखिए आपको क्लास में बता दूं, हमने आज इस पहली क्लास में पार्ट वन के अंदर एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट का पूरा चार्ट, और हमने कंटिन्यूस का पूरा चार्ट, और परफेक्ट का पूरा चार्ट खत्म कर लिया। लेकिन मैंने यहां पर डब्ल्यू एच की फैमिली, इंफिनिटिव, ऑब्जेक्ट और इंपेरेटिव, इनमें से किसी की भी बात मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि उसको मैंने स्पेशल में रखा है। वो क्लास बड़ी स्पेशल होगी क्योंकि वही ज्यादातर आता है एग्जाम के अंदर, तो मैंने उसको अलग छाट लिया है, बिल्कुल अलग क्लास दी जाएगी। तो क्लास प्लीज, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज बच्चों में तो बहुत से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े। ठीक क्लास।